नमस्कार, 12 बजे की सबसे बड़ी खबर यही है कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जा सकते हैं। उनके खिलाफ अब लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब चिदंबरम के देश छोड़कर जाने पर रोक लग गई है। सीबीआई की टीम और ईडी भी चिदंबरम के घर के चक्कर लगा चुकी है। सुबह से दो बार सीबीआई की टीम चिदंबरम के घर पहुंची है। अब सवाल ऐसे में यह है कि चिदंबरम को कानून पर भरोसा है तो फिर वो कहां लापता है? आखिर वो जांच से इतना क्यों डर रहे हैं? वहीं आपको यह भी बता दें कि अपनी जमानत पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक से इनकार कर दिया है। जस्टिस रमन्ना ने सुनवाई से इनकार करते हुए चिदंबरम की याचिका को सीजेआई के पास भेज दिया है। ये जो अपडेट है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बता रहे हैं। चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो गया है। चिदंबरम को पेश होने का नोटिस जारी किया गया है और नोटिस के बाद करीब 17 घंटे हो चुके हैं, लेकिन चिदंबरम का कोई पता नहीं है। बीजेपी ने कहा कि भगोड़े विजय माल्या की श्रेणी में आ गए हैं चिदंबरम। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सच के लिए लड़ते रहे हैं पी चिदंबरम, लेकिन अभी सवाल यह है कि आखिर वो है कहां। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। पी चिदंबरम के घर से भी इस वक्त राजू राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही लुकआउट नोटिस पर बात करेंगे जितेंद्र शर्मा से। लेकिन महेश, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे, जो बारीकियां हैं, जो अपडेट है, वो जरा पहले दर्शकों को आप समझा दें इस पूरे मसले पर, कोर्ट में क्या हुआ। देखिए, कल जब हाई कोर्ट का फैसला आया था तो उसके बाद 4 बजे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम भी थे, कपिल सिब्बल भी थे और सलमान खुर्शीद भी थे। लेकिन कल 4 बजे जो चीफ जस्टिस की कोर्ट उठ चुकी थी और अयोध्या मामले की सुनवाई करके और बाकी जजेस भी उठ चुके थे, तो ये लोग अपना मेंशन नहीं कर सके किसी भी जज के सामने कि हमारे मामले को जल्दी लिस्ट किया जाए। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा, यहाँ से चिदंबरम 4:45 बजे के करीब आराम से कार में से गेट से बाहर निकले हैं। कोई सीबीआई वाला यहाँ पर नहीं आया, जबकि सीबीआई को 4 बजे पता चल चुका था कि हाई कोर्ट का क्या आदेश है। तो सीबीआई ने 4:45 बजे कोई कोशिश नहीं करी। अब सीबीआई उनके घर खड़ी हुई है, जब वो खुद ही कह रहे हैं कि फरार है तो घर पे क्या करने आएंगे। अब बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब उन्होंने अपनी पिटीशन फाइल कर दी है तो ऐसे के अंदर ये जो फरार होना या भगोड़ा होना ये बातें सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनी जाएंगी, क्योंकि अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो जाहिर सी बात है फिर एंटीसिपेटरी बेल लगाने के मायने क्या रह जाएंगे, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल वो फाइल कर चुके हैं कोर्ट में, जस्टिस रमन्ना के सामने मेंशन कर चुके हैं, जस्टिस रमन्ना कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस मामले को देखेंगे कि कौन जज सुनेगा। तो ऐसे में ये जो दलील रहेगी सीबीआई की और ईडी की कि वो फरार हैं, भाग रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे, ये मायने नहीं रखती हैं। उल्टा जो इनके वकील हैं उनकी दलील ये रहेगी कि 2 महीने 6 महीने 7 महीने बाद जो है जब जजमेंट आता है हाई कोर्ट का, इस बीच या उससे पहले जब भी कभी सीबीआई ने ईडी ने चिदंबरम को बुलाया, चिदंबरम ने हमेशा सहयोग किया और सारे उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए हैं। लेकिन वहीं से जो तुषार मेहता है जो सीबीआई और ईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका कहना था कि मामला काफी सीरियस है। उनका एक भी कहना रहेगा कि इसके अंदर 164 का एक बयान दर्ज हुआ है जिसके बाद एक नए तथ्य सामने आए हैं। हाँ। और वहीं कपिल सिब्बल का कहना रहेगा कि अब ऐसा एकदम से क्या हो गया कि हाई कोर्ट ने 7 महीने बाद जब एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट की तो सीबीआई को एकदम से आंखें खुल गई और सीबीआई एकदम से पकड़ने को भाग रही है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि अब चीफ जस्टिस देखना होगा कि चीफ जस्टिस इस मामले को किस दिन, किस वक्त और किस जज के पास मार्च करते हैं और वो दलीलें दोनों पक्ष सामने रख चुके हैं। राजू राज चिदंबरम के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि 2 बार तो सीबीआई की टीम आ चुकी है, अब लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। देखिए, अब तक जो सीबीआई लगभग 4 बार सीबीआई की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। आज सुबह पहली बार 8 बजे के करीब सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची थी। हाँ। उनके घर गई और जो घर के अंदर स्टाफ थे उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताया कि पी चिदंबरम घर में ना तो उनकी पत्नी है ना तो उनके बेटे कार्तिक चिदंबरम, कोई उनको नहीं मिला। फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश की कि फ़ोन बंद आ रहा है। लगातार जब परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला तो कल रात में यहाँ पर नोटिस चिपकाया था। उसके बाद लगभग 10 बजे एक बार फिर से सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची और लगभग 2 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है सीबीआई की टीम यहीं मौजूद है। 1 घंटे तक सीबीआई की टीम उनके घर के सामने खड़ी रही और अभी जो साथ में एक पार्क है वहां पर सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम यहां पर बैठी है, इंतजार कर रही कि कोर्ट से अगर क्या, सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है, क्या आगे की निर्देश उनके आला अधिकारियों के द्वारा मिलते हैं तब वो आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन साफ है कि अब तक अगर पी चिदंबरम को चाहिए था
कि जो सीबीआई की टीम है उनसे संपर्क करे, लेकिन परिवार का ना तो कोई सदस्य उनसे मिला ना तो टेलीफोनिक संपर्क हो रहा है, तो ये एक मुसीबत है और ये झटका लग सकता है और शायद यही दलील कोर्ट में भी वो पेश करें। ठीक है जितेंद्र, आप हमें समझाइए कि जो लुकआउट नोटिस जारी किया गया है क्या उसमें कोई डेडलाइन भी दी गई है, क्योंकि जो कल नोटिस सीबीआई ने चिपकाया था उसमें 2 घंटे का समय दिया गया था। देखिए प्रयोधी, जो LOC इशू किया जाता है वो इसलिए इशू किया जाता है कि कोई भी आरोपी या अपराधी है वो किसी तरह से देश या जहां पर उसके खिलाफ केस है वहां से वो निकलकर भागने की कोशिश ना करे। जो इससे पहले पी चिदम्बरम के खिलाफ LOC इशू किया गया था वो करीब 15 महीने पहले इशू किया गया था, लेकिन वो प्रिवेंटिव नेचर का था, यानी कि इसका मतलब था कि वो अगर देश छोड़ करके या दिल्ली से बाहर कहीं जाने की कोशिश करते हैं तो इसकी जानकारी एजेंसी के पास रहे। हालांकि उस समय कोई गिरफ्तारी के लिए या डिटेंशन के लिए उसमें कोई मतलब नहीं रखा गया था, लेकिन अब क्योंकि कल हाईकोर्ट का जो आदेश आया है और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से मेंशन करने की कोशिश की गई थी और किसी तरह का रिलीफ नहीं मिला था, तो उसके बाद जो प्रिवेंटिव नेचर का जो LOC था उसको डिटेंशन पे टर्न कर दिया गया है। यानी कि अब अगर पी चिदम्बरम, क्योंकि कल से CBI उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है, उनके घर भी गई थी, घर पर जब कोई नहीं मिला तो बाहर जो है नोटिस लगा करके आया गया जिसमें कहा गया था कि 2 घंटे के अंदर वो जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके पास वो जाँच के लिए शामिल हो, लेकिन उसके बाद भी कोई जवाब नहीं मिला है, तो उसी के बाद से ये डिटेंशन नेचर का जो LOC है वो जारी कर दिया गया था। यानी इसका मतलब साफ है कि अगर पी चिदम्बरम दिल्ली से या देश से बाहर कहीं निकलने की कोशिश करते हैं हवाई रास्ते के जरिए तो तुरंत उनकी जानकारी एजेंसी को दी जाए और वहीं पर उनको डिटेन किया जाए, और क्योंकि अब उनके ऊपर जो प्रोटेक्शन था, एंटीसिपेटरी बेल जो उनको अब तक मिली थी और जो प्रोटेक्शन उनको मिला हुआ था कोर्ट से वो हट चुका है, तो एजेंसी और साफ कर चुकी है कि उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन की ज़रूरत है, तो लिहाजा वो चाहती हैं कि पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया जाए और फिर उनसे पूछताछ की जाए। तो अब जो LOC है उसकी हालांकि कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का रिलीफ पी चिदम्बरम को मिलता है। अगर उनको रिलीफ मिल जाता है तो नेचुरली जो अरेस्टिंग वाला जो LOC इशू किया गया वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि उसमें गिरफ्तारी, क्योंकि उस पर प्रोटेक्शन मिल जाएगी तो उसके कोई मायने नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वो LOC प्रिवेंटिव नेचर का जरूर हो सकता है कि बिना एजेंसी की या बिना कोर्ट की मंजूरी के वो देश से बाहर अगर जाने की कोशिश करेंगे तो वो वाला LOC और इंतजार करना होगा इस पूरे मसले पर कोर्ट की तरफ से अभी, क्योंकि ये भी अभी देखना है ना कि CBI की टीम तो घर के पास में मौजूद पार्क में बैठी हुई है कि अभी कोर्ट की तरफ से जो फाइनल फैसला है उसके बाद ही वो कदम उठाएंगे। देखिए जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह का रिलीफ नहीं मिला है, उसके बाद से ही CBI एक्टिव हो गई थी, हर जगह जहां पर पी चिदम्बरम हो सकते हैं वहां पर तलाशने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उनका मोबाइल फ़ोन बंद है, ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की गई है, घर पर उनको ढूंढा गया है, वहां पर CBI की टीम और ED की टीम भी वहां पर मौजूद है, इसके अलावा जहां जहां वो हो सकते हैं वहां पर कोशिश की जा रही है कि उनको तलाश किया जाए, लेकिन अभी तक वो उनके बारे में किसी तरह कोई जानकारी नहीं मिली है। अब CBI के पास सिर्फ एक ही बसता है कि या तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजर आते हैं, लेकिन हालांकि इसकी उम्मीद काफी कम है कि अगर पी चिदम्बरम सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हैं तो वहां पर किसी तरह की कार्रवाई करें, क्योंकि जब तक कि कोर्ट की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक CBI किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर पाएंगे अगर पी चिदम्बरम सुप्रीम कोर्ट कैंपस में होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सारी नजरें टिकी हुई है कि वो किस तरह का फैसला लेते हैं, क्या वो इस एप्लीकेशन को सुन करके उनको किसी तरह का प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है या जो दलीलें होती है तो निश्चित तौर पर दोनों पक्ष से जवाब मांगा जाता है। अब पी चिदम्बरम क्योंकि प्रोटेक्शन मांगेंगे, डिमांड करेंगे एंटीसिपेटरी बेल के लिए और किसी तरह के कोएरसिव एक्शन जो CBI लेना चाहती है उससे बचने के लिए, तो निश्चित तौर पर CBI से भी सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगेगी कि आखिर किस वजह से उन्हें पी चिदम्बरम की कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है। अब अगर उसके लिए टाइम दिया जाता है या कई बार ऐसा होता है कि सेम डे ही वो रिप्लाई फाइल कर दिया जाता है क्योंकि CBI पूरी तरह से तैयार है, हाई कोर्ट पे भी वो अपना जवाब दाखिल कर चुकी है, तो अगर एक ही दिन में ये सब चीज़ें हो जाती हैं, इस जो एप्लीकेशन के ऊपर जजमेंट आ जाता है, तो निश्चित तौर पर कि सबके सामने तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या उनको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो दलील है वो लंबी खिंच जाती है और उसमें जब तक दलील चलती है, यानी कि जब तक कोर्ट में ये फैसला है या एप्लीकेशन पेंडिंग है, तब तक अदालत जो एक्यूज होते हैं या जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ होता है उनको रिलीफ मिल सकता है। क्या कह रहे हैं इस पर, जरा वो भी इसी बीच सुन लेते हैं, बीजेपी नेता का क्या कहना है। जिस प्रकार चिदम्बरम जी गायब हो गए हैं, लगता है ये भी विजय माल्या, नीरव मोदी और इसी श्रेणी में ये भी शामिल हो रहे हैं। इस आरोपों के इनके संदर्भ में कांग्रेस पार्टी को क्या कहना है? ये केवल राजनीतिक बयानबाजी करके
कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार नहीं बच सकती है, और पी चिदम्बरम जी को सीबीआई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को फेस करना पड़ेगा। महेश गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेश, अभी आप बता रहे थे क्योंकि दोनों ही पक्षों ने अपने अपने पक्ष रख दिए हैं, अब अगर चिदम्बरम के पास विकल्पों की बात की जाए तो जरा उसके बारे में भी बताइए। देखिए, अभी तो चीफ जस्टिस ये तय करेंगे कि इसको मामले को कौन सुनेगा, किस दिन सुनेगा और कौन जन सुनेंगे, और जब सुनवाई होती है तो क्योंकि इसके मामले में जो है सीबीआई या ईडी को नोटिस की जरूरत नहीं है, उनके वकील ऑलरेडी, क्योंकि तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है आज ऑलरेडी कोर्ट में पेश हो चुके थे, अदरवाइज कोई और मामला होता है तो पहले जो है नोटिस जारी होता है सीबीआई को और ईडी को, अगली डेट पर उनके वकील आते हैं। लेकिन इस मामले में तो जो सॉलिसिटर जनरल है वो बिना नोटिस के ऑलरेडी पहले से ही पेश है, और सवेरे बाकायदा वो जब जस्टिस रमन्ना के सामने मेंशन किया था कि मामले को जल्दी सुन लिया जाए, तो सॉलिसिटर जनरल यानी कि सीबीआई ईडी के जो वकील थे वो ऑलरेडी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने थोड़ी सी बहस भी की थी। तो इसमें नोटिस वाला इशू तो रहेगा नहीं, लेकिन ये कि हाँ, जब भी सुनवाई होगी तो इसमें दोनों पक्ष के वकील रहेंगे, और अगर इसके अंदर लंबी सुनवाई होती है या कोर्ट ऑर्डर रिजर्व करता है तो ऐसे में फिर जो इनके वकील हैं कपिल सिब्बल, वो ये मांग करेंगे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता तब तक इनको इंटरिम प्रोटेक्शन दे दी जाए, क्योंकि वो मौजूद आदमी कहीं भाग नहीं रहे, और सुप्रीम कोर्ट का पुराना एक फैसला भी है कि जिसमें 7 साल तक की सजा वाले मामले हैं, जैसे करप्शन में मैक्सिमम सजा 7 साल की है, ईडी वाले मामले में सजा 7 साल की है, तो ऐसे मामले अगर 7 साल तक सजा वाले मामले हैं और दूसरा आदमी मौजूद है वो कहीं फरार नहीं होता है, तो उसको जो है अरेस्ट ना किया जाए, चार्जशीट फाइल की जाए, जैसे कि आपने देखा है कोल के अंदर कोयला घोटाले में सीबीआई ने कितने सारे मुकदमे दर्ज करे, कहीं पर भी उन्होंने अरेस्ट नहीं की, सब में सिंपली चार्जशीट फाइल की है और आरोपियों ने आके कोर्ट के अंदर बाद में जमानतें ली हैं। तो ये सब दलीलें जो है इनकी रखी जाएंगी, लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल हैं, ईडी और सीबीआई के वकील हैं, उनका ये मांग रहेगा कि पहले तक हमें इनसे नोटिस देकर पूछताछ करते थे, और वो जो है 2 घंटे की हो 4 घंटे की हो, लेकिन एक कस्टोडियल इंटरोगेशन होती है। कस्टोडियल इंटरोगेशन के मायने ये कि आप उनको हिरासत में लेते हैं, हिरासत में लेने के बाद किसी और को बुलाते हैं, एक्यूज को से कन्फ्रंट कराते हैं आमने सामने, या फिर कहीं आप एक्यूज को साथ लेकर कहीं रवाना होते हैं, ये सब कस्टोडियल इंटरोगेशन की बात है, जिसके लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन की मांग की जाती है। लेकिन इसके अंदर जो इनके वकील चिदम्बरम की, वो मांग करेंगे कि पिछले साल भर के दौरान कई बार सीबीआई ने बुलाया, कई बार ईडी ने बुलाया, हमेशा हर बार चिदम्बरम गए हैं। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूंगा दर्शकों की, ये बात की अब कि वो फरार हैं, ये बात सीबीआई ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगी सीबीआई के बाद, क्योंकि कल जब शाम को उन्होंने अपनी पिटीशन फाइल कर दी और सुप्रीम कोर्ट में आज उस पर चर्चा हो गई और ये कहा कि चीफ जस्टिस को मामले को महेश आपके पास मैं आऊंगी, और क्योंकि ये भी समझना है जो पॉइंट आपने बताए, तो क्या एक पॉइंट ये अब सीबीआई रख सकती है कि कोऑपरेट नहीं किया, घर से क्यों चले गए, क्या ये एक स्ट्रांग पॉइंट होगा इसके तर्क में जो सीबीआई रखेगी, इस पर मैं आगे आऊंगी आपके पास। लेकिन इसी बीच चिदम्बरम के वकील सलमान खुर्शीद ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। Regretted, regretful, very regretful. We've said so. I think the whole episode is very sad. It's very, very sad. Nobody's running away. The law will take its course. Nobody's running away. But you have to have some. What else is it? But let's see what the court does. Let's wait for the court to do something. तो अभी अपडेट इसमें यह है कि सीबीआई की टीम तो चिदम्बरम के घर के नजदीक एक पार्क में उनका इंतजार कर रही है। चिदम्बरम का अभी कोई पता नहीं है, उनका फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा है, और अभी उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फिलहाल एक बड़ा झटका लगा है। इस खबर पर जी न्यूज बना रहेगा, पल पल की अपडेट हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जितेंद्र, आपका भी शुक्रिया राजू, आपका भी शुक्रिया महेश, आपका भी शुक्रिया।